देखेगा। झरिया के गोरखपुरिया कोलियरी उत्खनन एरिया में बेटी की आंखों के सामने मां हुई जिंदा जमींदोज, पीड़ित परिवार को बीसीसीएल देगा मुआवजा और नौकरी। धनबाद में शौचालय निर्माण में भारी गड़बड़ी, तीन पंचायतों के मुखिया से पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 1,14,00,000 वसूलने के लिए लिखा पत्र। बागमारा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, जंगल में मौजूद शराब भट्टी को किया ध्वस्त, छापेमारी से पहले ही शराब माफिया हुए फरार। धनबाद के सदर थाना में संपत्ति को लेकर दिखा सरेआम फैमिली ड्रामा, मां ने बड़े बेटे पर ठंड में घर में नहीं घुसे देने का लगाया आरोप, पुलिस के सामने दोनों पक्षों में बहस। और कोयलांचल में सादगी से मनाई गई स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 29वीं पुण्यतिथि, राजनेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बागमारा से बड़ी खबर, सीएमपीडीआई की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, अज्ञात बाइक सवारों ने गोली चलाई है, चार सीएमपीडीआई इसमें जख्मी हुए हैं। डीएसपी निशा मुर्मू मौके पर पहुंची है, मौके से दो कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं। ये मामला खरखरी ओपी का है, 13 दिसंबर को ही नक्सली धमकी मिली थी, माइंस बंद करने को नक्सलियों ने यह धमकी दी थी और इस चेतावनी के बाद गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसे नक्सली हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल मौके पर डीएसपी निशा मुर्मू पहुंची हैं, छानबीन की जा रही है, खरखरी ओपी का ये मामला है। सीएमपीडीआई की गाड़ी पर ये फायरिंग हुई है, अज्ञात बाइक सवारों ने गोलियां चलाई हैं, चार सीएमपीडीआई कर्मी भी इस गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही माइंस यहां पर बंद करने की चेतावनी दी थी और उसके बाद ये फायरिंग होना कहीं ना कहीं उग्रवादी संगठन से इसका कनेक्शन दिखा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। सीएमपीडीआई की एक गाड़ी थी जिसमें कर्मी सवार थे और चार सीएमपीडीआई कर्मी इस हमले में जख्मी हुए हैं। खरखरी ओपी का ये मामला है, 13 दिसंबर को ही नक्सली धमकी मिली थी। बागमारा से सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अशोक, माइंस बंद करने की चेतावनी मिलती है और उसके बाद सीएमपीडीआई की गाड़ी में फायरिंग और चार कर्मी घायल होते हैं, क्या इसे नक्सलवाद उग्रवाद से जोड़कर देखा जाए इस घटना को, क्या फिलहाल पुलिस अभी अंदाजा लगा रही है? पूरा ये मामला है जो सीएमपीडीआई जिनका ये काम है कि स्थानीय स्तर पर कोयले के जो गुणवत्ता होती है उसकी जांच करे, उसको लेकर कई वाहन यहाँ पर होल करके होल बोरिंग होल के द्वारा जांच करती है। इस तरह की कई कंपनियां यहाँ काम कर रही है, उसी कंपनी में एक जो आज जिस पर हमला हुआ है उनके जो इस हमले में बेलोरे पर हमला हुआ है, फायरिंग भी कई राउंड फायरिंग की गई है और अज्ञात बाइक सवार दो अपराधियों द्वारा यह फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान दो कर्मी को गोली से घायल हुए हैं बताया जा रहा है। जिस तरह से अभी तक जानकारी मिली है, एक कर्मी के कमर में दो गोली लगी है और दूसरे कर्मी के हाथ में गोली लगी हुई है। हालांकि जिस तरह से हमले लगातार, जिस तरह बागमारा में स्थिति बनी हुई है रंगदारी को लेकर, बाहरी कंपनियों को डरा धमका कर रंगदारी को लेकर और उसे डराने धमकाने के क्रम में फायरिंग बमबाजी होती रह रही है, कहा जाए तो ये किसका हाथ है ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अशोक, जो कर्मी घायल हुए हैं सीएमपीडीआई कर्मी, अभी उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? जी, जो भी कर्मी यहाँ घायल हुए हैं इस हमले में उन्हें गंभीरावस्था में स्थानीय पीएम से धनबाद भेज दिया गया है, हालांकि उनका इलाज प्रारंभ हो गया है। लेकिन गोली लगी हुई है तो अभी तुरंत ये कहना सही नहीं होगा कि क्या स्थिति है।
इंतजार किया जा रहा है, डॉक्टर भी क्या बोलेंगे। उसके बाद ये जो स्थिति बन चुकी है, दहशत की स्थिति है यहाँ पे। हालांकि निशा मुर्मू जांच में आ गए हैं और वो जांच के दौरान ये देखा भी गया है कि वहाँ से दो खोखा बरामद हुआ है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दहशत पूरे बाघमारा के हर कोने में कायम है। वर्चस्व की और रंगदारी की लड़ाई को लेकर जो यहाँ के यहाँ जो स्थानीय अपराधी जो है पूरी तरह से यहाँ पे अपने आप कहा जाए तो हावी हो चुके हैं। तो अशोक, ये जो गोलीबारी है, जो स्थानीय आपराधिक गुट है उन्हीं का हाथ इसमें आशंका पुलिस जता रही है, या फिर आमतौर पर होता है कि ऐसी जगहों पर नक्सलियों भी ले भी लेते हैं, तो क्या नक्सलियों का हाथ भी हो सकता है? पिछले करीबन 6 महीने पहले इसी तरह से एक बोरहोल कंपनी के वाहन पर गोलीबारी हुई थी, उसमें वाहन के चालक घायल हुए थे और इसी तरह का ये वाहन था, पीएमपीडीआई से जुड़ा हुआ। उस मामले पर मैं भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर हमला करने वाले कौन थे। हालांकि कई लोगों को चिन्हित किया गया था लेकिन पूछताछ के दौरान अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि बाघमारा जो कोयलांचल का पूरा इलाका है वर्चस्व को लेकर रंगदारी को लेकर हमेशा जाना जाता है। जैसा कि चंद दिन पीछे ही हम लोग देखे हैं कि कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया था स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर बमबाजी के मामले में। अब देखना यह भी इसमें जरूरी होगा इसमें किसका हाथ है और पुलिसिया जो भी कार्रवाई आती है उसमें जो भी खुल के सामने आती है बात उसको देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका। फिलहाल पुलिस अब छानबीन कर रही है और अक्सर ऐसी घटनाएं यहां पर कोलवर्चस्व को लेकर होती रहती हैं, तो फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फिलहाल अभी उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। झरिया के गोरखपुरिया कोलियरी उत्खनन एरिया में जमीन धंसने से एक महिला अपनी बेटी के आंखों के सामने ही जिंदा दफन हो गई। चीख पुकार हाहाकार के बीच जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा मृतका के परिवार वालों को नियोजन मिलने के साथ दर्द पर मुआवजे का मरहम लगाया गया। जमीन से निकलता ये धुआं चीख चीख कर कह रहा है कि इस शहर के सीने में आग लगी है। वो आग दिखती नहीं पर हर किसी को महसूस जरूर होती है। कल्याणी अपनी बेटी के सामने जमीन दोज हो गई। इस आग ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और फिर हर तरफ चीख पुकार मच गई, हर तरफ कोहराम मच गया क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ या तो आग थी या फिर धुआं था। देखिए, ये लगभग सुबह 8 बजे की घटना है और इसके लिए पूरी तरीके से प्रबंधन जिम्मेवार है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये खतरनाक क्षेत्र है, भूदशांत क्षेत्र है और अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। तो प्रबंधन को चाहिए था कि इसके दाहिने साइड कम से कम हम कटीलों तारों से अगर इस जगह को वो अगर बाउंड्री कर देते तो वो महिला इधर नहीं आती और नहीं आती तो वो दुर्घटना नहीं होती। का जान का कीमत यहाँ के जनप्रतिनिधि 20,000 से 25,000 लगाते हैं और कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसका 5 लाख 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाते हैं। ये कहीं से यहाँ के जनप्रतिनिधि इंसाफ नहीं करवाते। नोटिसल का ही लापरवाही है, जो अग्नि प्रभावित एरिया है उसे खुलेआम इसी तरह छोड़ दिया गया है और ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। हम ये जरूरी नहीं है, आज गरीब आदमी है, अच्छे आदमी के साथ भी हो सकती है। जिस तरह से वो लापरवाही से रखे हुए हैं, कम से कम वो तार से घेर देनी चाहिए कि ताकि हमारे बच्चे और महिला आगे ना बढ़े। हम जो है आगे कोशिश करेंगे, जो भी लोग खतरनाक क्षेत्र में हैं वो यहाँ से जाएं, सुरक्षित स्थानों में जाएं और ये जो खतरनाक जगह में ना रहें जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। घर से 10 कदम की ही दूरी थी, बेटी साथ थी। बहुत कोशिश हुई महिला को निकालने की, प्रशासन पहुंचा, क्रेन पहुंची, घंटों मशक्कत हुई। तब जाकर कल्याणी निकली पर निष्प्राण शरीर के साथ चार कंधों पर। जब मैं हम लोगों ने देखी, हमारा जो DCCL की तरफ से इस प्रकार के केस में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, मगर हम लोग अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत बचत से 4 लाख रुपए इनको, दोनों बच्चों को 2-2 लाख रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे, 50,000 रुपए दाह संस्कार के लिए देंगे, दोनों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराएंगे
यही सहमति बनी। जी एम साहब के द्वारा वार्ता होने के बाद तो अपने साढ़े 4 लाख मुआवजा का और एक आउटसोर्सिंग में नौकरी है, सहमति बन गई है। 50 लाख और 1 करोड़ भी दे देंगे तो बच्ची का माँ का प्यार नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मासूम बच्चे को आगे पीछे देखते हुए एक तो माँ का प्यार छीन गई, लेकिन उसका आने वाले भविष्य के लिए देखते हुए हम लोग जितना दबाव बन पड़ा दिलवाए और आगे के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर खड़े रहेंगे उस बच्चे मासूम बच्चे के लिए। हादसे के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को 45 मिनट तक जाम कर दिया। प्रशासन से आश्वासन मिला, तत्काल मृतका के परिवार वालों को 50,000 रुपए नकद, 4 लाख रुपए कुछ दिनों बाद मिलेंगे। मृतका की दोनों बच्चियों को डीएवी में दाखिला मिलेगा, आउटसोर्सिंग में एक नौकरी मिलेगी। कल्याणी अब नहीं है, पर कई सवाल हैं। क्या कल्याणी की जान आग ने ली? नहीं, कल्याणी का हत्यारा कोई और है, जिसे आप और हम लापरवाही कहते हैं, प्रबंधन की लापरवाही। झरिया से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल के साथ अंकित झा की रिपोर्ट। निरसा में लगातार उचक्खों द्वारा छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर निरसा एसडीपीओ ने एसबीआई कुमार धुब्बी और एक्सिस बैंक चिरकुंडा का निरीक्षण कर तमाम पहलुओं पर जांच की। बता दें कि पिछले दिनों अलग अलग मामलों में 1.5 लाख की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। लगा हुआ है टोटल, हम देखे उस टाइम का जब ये गए थे बैंक के अंदर जो पीड़ित है, और जब फिर वापस आया तब तक का हम देखे अभी सीसीटीवी, तो अभी कुछ क्लियर नहीं पता चल पाया। बाहर का कैमरा इसका तार कटा हुआ है, इसके बारे में भी अभी हम जांच करने के लिए बोले हुए हैं कि ये कोई साजिश के तहत काटा है या किस वजह से ऐसा हुआ है, ये अभी बताएंगे। हमने बताया है बैंक वाले को भी, अपना आईओ को भी बताए हुए हैं कि उसको देखने के लिए, तब फिर पता चलेगा कि कोई संदिग्ध के बारे में पता चलेगा। गुप्त सूचना के आधार पर महुदा पुलिस ने बारके स्थित जंगल में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां अवैध महुआ शराब भट्टी को नष्ट करते हुए करीब 90 किलो जावा महुआ और शराब को नष्ट कर दिया। हालांकि शराब माफियाओं को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए छापेमारी से पहले ही वो घटनास्थल से फरार हो गए। अवैध जावा महुआ का शराब बनाने की सूचना मिली थी, उसमें छापामारी किया गया, जिसमें करीब 80-90 किलो के लगभग। धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और पेयजल स्वच्छता विभाग अब ठोस कठोर कदम उठाने की तैयारी में है। आश्चर्य की बात यह है कि बगैर संपूर्ण गांव में शौचालय निर्माण कराए ही गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। लापरवाही के बाद अब 3 पंचायतों के मुखिया से विभाग ने 1,14,00,000 रुपए वसूलने के लिए पत्र लिखा है। क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गोविंदपुर के महुबनी पंचायत में बनाए गए शौचालय का, इसके अलावा बागमारा प्रखंड के कंचनपुर के मुखिया को पत्र भेजकर जल्द से जल्द शौचालय निर्माण की उपयोगिता प्रमाण पत्र सबमिट करने को भी कहा गया है, और ऐसा ना करने पर तीनों पंचायतों के लिए किए गए भुगतान जो करीब 1,14,00,000 हैं, उस राशि को विभाग को वापस करने का फरमान भी जारी कर दिया गया है। बात अगर महुबनी पंचायत की करें तो यहां पर मुखिया और जल सहिया ने शौचालय निर्माण के दौरान जबरदस्त लापरवाही बरती है। शौचालय का शुरू हुआ 12 महीना हो गया और स्कीम सुनते हैं कि 12,000 का ही है सरकार का, लेकिन 12 महीना हो गया अभी तक शौचालय नहीं बना, और ईंटा मेरा है, इसमें ईंटा हम दिए हैं, मैंने कोई सरकारी आदमी नहीं दिया, ईंटा मेरा घर का है, खाली सीमेंट 1 बोरा ला करके दिया है। कंप्लीट हो गया है ना? कंप्लीट नहीं हुआ। कितना काम हुआ? खाली बुनियादी खाली कोड़ाया है, ये बुनियादी खाली ईंटा का गत्थी हुआ है, उसके बाद गड्ढा सब कोड़ा है। गौरतलब है कि गोविंदपुर के मरीचो पंचायत में 816 शौचालय का निर्माण होना था, वहीं महुबनी 2 पंचायत में 530 शौचालय का, जबकि
बागमारा के कंचनपुर पंचायत में 428 शौचालय का निर्माण होना था, लेकिन इन पंचायतों में शौचालयों का निर्माण लक्ष्य के मुकाबले 50% भी नहीं हो पाया है। जलसैया के मुताबिक मुखिया की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया गया है। तो हम बोलना चाह रहे थे मुखिया जी बात किए थे, ठीक है, और मुखिया जी तबियत खराब होने के चलते से अच्छा क्वालिटी का ये सब मुखिया जी गिराए हुए हैं। नहीं, एसीसी सीमेंट अगर आपको लग रहा है तो आप देख सकते हैं एसीसी सीमेंट का है। जबकि पूरे मामले में गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि पेयजल स्वच्छता विभाग में जिस तरह से आदेश आया है उसके हिसाब से तीनों अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाए हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिए गए प्रत्येक समय सीमा को दरकिनार करते हुए शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई और ऐसे में अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। फिलहाल विभागीय कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि जिस दौरान शौचालय का निर्माण हो रहा था उसी दौरान यदि प्रशासन की तरफ से उसकी मॉनिटरिंग की जाती तो शायद मुखिया को इतनी हिम्मत ना होती और सरकारी पैसे का इस तरह से बंदरबांट नहीं होता। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बड़ी खबर गोमिया से, जहां के बिरसा गांव में घर से सटे पुआल के मचान में आग लगी। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। मौके पर गोमिया थाना पुलिस की मौजूद की है, पता करने की कोशिश की जा रही कि आग लगने की वजह क्या है, लेकिन ये आग आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। लगातार कोशिश हो रही है इस आग पर काबू पाने की। पुआल के मचान में भीषण आग लगी हुई, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता अभी तक नहीं चल पाया है और कोशिश ये हो रही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। कोई पता नहीं जब आपसे जब होने देख के बोल पता नहीं लग रहा है भाई, आपसे जब धोखा लग रहा है तब देखो तब हल्ला कर रही है आपसे भाई, गेले नहीं जान जी बाबू। बस लोग जुटे हम लोग सारा लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तब फोन किए आपसे, देखो ये धुआं देखिए ये लोग घर में शाम का समय है, ये लोग पता नहीं था किसी तरह से ये लोग अपने घर में खाना ना चढ़ा बनाना करके बाहर बैठी हुई थी, बैठी तो अचानक सब कुछ बैठा हुआ था यहाँ तो देखा धुआं तो दौड़ते हुए गया तो देखा कैसे धुआं था देखता पूरा लग गया जब हम उन्हें से लिए ने सब हालत किया। ग्रामीण लोग जुट गया, ग्रामीण जुटने के बाद देखे तो पूरा लग गया, तो पूरा गाँव का पानी है ना, तब तो हम लोग आए तो हम लोग जाके बड़ा। बढ़ते हैं आगे, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए धनबाद नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया। उम्मीद है कि ऐसे सफाई अभियान से लोग जागरूक होंगे और शहर भी साफ सुथरा रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया। नगर आयुक्त के नेतृत्व में बैंक मोड़ से सुबह 6 बजे से ही यह अभियान शुरू हुआ। स्वीपिंग मशीन से सड़कों की सफाई की गयी, ओवरब्रिज में सड़कों के किनारे फुटपाथ पर उगी झाड़ियों को साफ किया गया, जबकि सड़क के किनारे से मशीन के द्वारा कचरों को उठाया गया। इस दौरान चौक चौराहों की मशीन से सफाई की गई और मूर्तियों की धुलाई भी की गई। टीम ने सड़क किनारे अवैध रूप से लगे पोस्टर और बैनरों को भी हटाया, जबकि फुटपाथ पर स्थायी रूप से लगे गुमटियों को भी जब्त किया गया। इस दौरान नया बाजार में लगने वाले सड़क जाम से मुक्ति के लिए सड़क को वन वे करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है। लोगों को प्रेरित भी करना है कि सफाई किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सिर्फ नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं है, सफाई सभी की जिम्मेवारी है, चाहे कोई भी सिटीजन हो। उनको बताया भी जा रहा है, जैसा आपने देखा कि उनको समझाया कि एक घर भी साफ होता है तो 5 लोगों को लेके शांत। मैं ट्रैफिक DSP को लिख रहा हूँ, इस पर पत्र दे रहा हूँ कि वन वे करें,
जो ब्रिज से नीचे जो गाड़ियां आती है उसको वन वे करके श्रमिक चौक से डाइवर्ट करके ले जाए गाड़ी, तो वहाँ निगम के इस अभियान की प्रशंसा लोगों ने की है, लेकिन सड़क किनारे लगी गुमटियों को हटाने से पहले प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया ताकि लाचार गरीबों को परेशानी ना हो। नगर आयुक्त महोदय को हम विशेष कर अनुरोध करेंगे कि पहले नोटिस कर देना चाहिए, क्योंकि गरीब है, डेली खाता कमाता है, तो एकाएक गुजारने से वो रोड पे आ जाते हैं। बहरहाल नगर निगम की तरफ से शुरू किया गया ये अभियान काबिले तारीफ है। ऐसा ही अभियान अगर लगातार चलता रहे तो लोग भी जागरूक होंगे और शहर भी स्वच्छ रहेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआ में बीजेपी का 2 दिवसीय विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ी धर्मशाला करकेंद्र में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सांसद पीएन सिंह ने उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से कार्यकर्ता पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। आज केंदुआ मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है। पिछले दिनों इस देश में काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टियों को छोड़कर या बिना पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से खुश होकर, नीतियों से खुश होकर, सिद्धांतों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी में जुटे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जब हम दुनिया के लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ी पार्टी हो गए, दुनिया में इतना किसी पार्टी का सदस्य नहीं, तो उनको हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को देने का। वाशी खान सुरक्षा सप्ताह के मौके पर बीसीसीएल एरिया 3 के महाप्रबंधक कार्यालय में सेफ्टी कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीसीसीएल मुख्यालय सुरक्षा महाप्रबंधक एके सिंह ने भाग लिया। एरिया 3 के जीएम सहित विभिन्न क्षेत्रों के सुरक्षा अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बैठक में कर्मियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। सप्ताह हम लोग मना रहे हैं जो कि 14 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। हर साल के बाद इस साल भी हम लोग मना रहे हैं इसको, लेकिन इस साल एक चैलेंज था कि COVID-19 के मध्य में इस तरह का प्रोग्राम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को जेएमएम के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने संकल्प दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरने में शामिल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यक को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है। इस दौरान मदरसों में हॉस्टल के निर्माण, यतीमखानों को अपग्रेड करने जैसी 10 सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। जो हम लोग रहते हैं जो बंद है, तो आइए ना, रणधीर वर्मा चौक आइए, उससे हम लोग बाइक होंगे, फिर सरकार के विरोध में चाहे छात्र वर्ग हो, खबर बागमारा की, जहां बागमारा के महुदा मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो चौक पर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 29वीं पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता जलेश्वर महतो ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जलेश्वर महतो ने कहा कि उनके रास्ते पर चलने से लोग भटकेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बागमारा विधायक टुल्लू महतो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर नहीं चलने वाले मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। ये हैं विनोद बाबू, कभी भी अपने कार्यकर्ता को भटकने नहीं दिए और कार्यकर्ता को सही रास्ता दिखाए, भले जितना कष्ट हुआ, जितना संघर्ष करना पड़ा। आज जो बागमारा की स्थिति है, इतनी दयनीय, इतनी शोचनीय आकर खड़ी हो गई है कि एकदम जो है। झारखंड के जननायक विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई राजनीतिक दल के नेताओं ने उन्हें याद किया। धनबाद के स्टेशन रोड स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर जिले के कई नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर टुंडी विधायक मथुरा महतो समेत कई गणमान्य शख्स मौजूद रहे।
इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए कोयलांचल की खबरें। सच है तो दिखे।